चंद्र इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महमूद हसन। आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया हुआ है और टॉपिक लिया हुआ है हार्ट या हृदय। हृदय या हार्ट को हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, परिवहन तंत्र के अंतर्गत। और ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र जो टॉपिक है, इसको हमने लिया हुआ जिस टॉपिक से सेल टू बॉडी ऑर्गन, मतलब ये हुआ कोशिका से अंग तंत्र की ओर। तो हमारा टॉपिक था कोशिका से अंग तंत्र की ओर, और उसमें जो है एक टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र। और उस परिवहन तंत्र में जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो है क्या है, हार्ट है या हृदय है। अब हम हृदय की अगर हम बात करें, हृदय की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हृदय कैसा अंग है। तो हृदय को हम जो है शरीर का पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। पंपिंग ऑर्गन का मतलब यह हुआ कि पंपिंग अंग कहते हैं, मतलब यह हुआ कि शरीर में जितना का जितना ब्लड होता है, सब इस ब्लड को जो है, ये जो हृदय होता है, एक मिनट में शरीर के सभी ब्लड को सभी अंगों से खींच करके और शरीर के अंगों को पंप कर देता है। जब पंप कर देता है, इसीलिए जो है हृदय को हम क्या कहते हैं, शरीर का पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इसके स्ट्रक्चर से आता है, इसके संरचना से आता है। तो हृदय जो होता है, हृदय का जो शेप होता है, ये बाहर से ये दिखता है बंद मुट्ठी के समान। तो हृदय का शेप होता है, हृदय का आकार कैसा होता है, हार्ट इज क्लोज हैंड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम मुट्ठी को ऐसे हम बंद करते हैं तो ये ऊपरी हिस्सा जो है ये चौड़ा, और जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं ये सकरा होता चला जाता है, त्रिकोणी आकार का होता है, कुछ इस शेप में हृदय दिखता है। तो अगर हम शेप की बात करते हैं तो हृदय कैसे दिखता है, क्लोज हैंड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमेशा ऑप्शन में रहता है। हृदय का आकार होता है तो आप किस ऑप्शन को टिक करना है, बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, हृदय जो है, हृदय का आकार वो होता है बंद मुट्ठी के समान। फिर और अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, हृदय की लोकेशन शरीर में कहाँ होती है। तो हार्ट जो होता है, जो हृदय होता है, ये वक्ष भाग में, छाती में या सीने में स्थित होता है, और ये दोनों फेफड़ों के बीच जो है वो हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। जैसे मान लीजिए पूरा जो है हमारा ये हो गया वक्ष भाग, या इसको कहते हैं जो है थोरैसिक कैविटी। इस वक्ष भाग में दो लंग्स हैं, एक जो है बायां फेफड़ा, एक दूसरा दायना फेफड़ा है। तो दोनों फेफड़ों के बीच बाएं साइड में, मतलब बाएं साइड का जो फेफड़ा है, लंग्स है, उधर ही हृदय ये क्या रहता है, स्थित रहता है। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स स्लाइटली लेफ्ट साइड इन थोरैसिक कैविटी। मानव का हृदय वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के बीच हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। अब और बात करें हम इसके अदर टॉपिक की, या जो है इसके अदर कैरेक्टर की, ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग क्या है। तो शरीर का जो सबसे व्यस्ततम अंग होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है या हृदय होता है। हृदय जो होता है ये बिना थके जीवन पर्यंत ये कार्य करता है, इसीलिए हृदय को हम कह देते हैं हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, या शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग वो कौन होता है, हार्ट होता है या हृदय होता है। अब हृदय की और बात करते हैं, अभी हमने बताया कि हृदय का आकार क्या होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। बाहर तो ये क्लोज दिखता है, बंद दिखता है, लेकिन मानव का जो हृदय होता है वो अंदर से खोखला होता है, और जब अंदर से खोखला होता है तो इसमें जो चार चैम्बर होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं, और इन चार कोष्ठकों में दो कोष्ठक को हम अलिंद कहते हैं और दो कोष्ठक को हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। अगर हृदय के विकास की बात की जाए कार्डेटा के केस में, कार्डेटा का मतलब होता है रीढ़धारी प्राणी, रीढ़धारी प्राणियों में अगर हम विकास के क्रम की बात करते हैं तो सबसे निचले क्रम में आता है हमारा मछली वर्ग आता है, फिर और ऊपर चलते हैं तो फिर हमारा आता है उभयचर वर्ग आता है, फिर विकास क्रम में और ऊपर चलते हैं तो हमारा आता है सरीसृप वर्ग आता है, विकास क्रम में और ऊपर चलते हैं तो हमारा आता है पक्षी वर्ग आता है, और विकास क्रम में और ऊपर चलते हैं तो हमारा आता है क्या, स्तनधारी वर्ग। तो मानव किस वर्ग का प्राणी है, क्लास में मेलिया या स्तनधारी वर्ग, या संसार में जितने भी स्तनधारी हैं सब में जो हृदय होता है वो चार चैम्बर या चार कोष्ठक का बना रहेगा।
अब कोष्ठक के विकास से एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है। तो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ आपको जितनी भी मछलियां हैं, मछलियों को हम कहते हैं क्लास पीसेस, पीसेस का मतलब मछली। तो मछलियों में हृदय कितने कोष्ठक होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन केस ऑफ पीसेस। या अगर मछलियों में हृदय ये कितने कोष्ठक का बना होता है, तो ये दो कोष्ठक का बना होता है, यही क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये जो दो कोष्ठक है मछलियों में, इन दो कोष्ठक में जो है कितना अलिंद होता है, कितना निलय होता है, तो इस पे देखते हैं। तो एक अलिंद होता है, एक ऑर्किल होता है, और एक निलय होता है, एक वेंट्रिकल होता है। मतलब मछलियों में दो कोष्ठी हृदय होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, और उस हार्ट में हृदय में एक अलिंद का कोष्ठक होता है और एक निलय का कोष्ठक होता है। फिर और बात करें विकास क्रम में आगे की ओर, तो विकास क्रम में मछली के बाद जो है जो वर्ग आता है हमारा एम्फीबिया आता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया को हम उभयचर कहते हैं। उभयचर वर्ग का जो मुख्य प्राणी है वो क्या है, फ्रॉग है या मेंढक है। तो मेंढक एक केस में एग्जामिनर पूछ लेता है, मेंढक में जो है हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है। तो मेंढक जो है उभयचर वर्ग का प्राणी है, और उभयचर वर्ग के प्राणी में, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी में जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठक का होता है, तीन कोष्ठक का बना होता है। और इन तीन कोष्ठक में कितने अलिंद और कितने निलय ये भी पूछता है। उसमें दो अलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। अर्थात उभयचर वर्ग के प्राणी में हृदय तीन कोष्ठक की होता है, और इन तीन कोष्ठक की हृदय में दो अलिंद और एक निलय होता है। विकास क्रम में और ऊपर चलते हैं, रेप्टाइल्स वर्ग, सरीसृप वर्ग के प्राणी, और सरीसृप वर्ग के प्राणी जो होते हैं क्रीपिंग एनिमल होते हैं। क्रीपिंग एनिमल का मतलब जो जंतु रेंग करके जो है चलते हैं, जैसे मान लीजिए छिपकली की अगर हम बात करें, सर्प की बात करें, कछुए की बात करें, गिरगिट की बात करें, तो ये सब जो है किस वर्ग के प्राणी हैं, सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं, और इनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स। और सरीसृप वर्ग के प्राणी में हृदय जो होता है वो 3.5 मतलब जो है 3.5 कोष्ठक का बना रहता है, जिसमें से दो अलिंद होता है और डेढ़ निलय होता है, 1.5 मतलब डेढ़ जो होता है वो निलय होता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है, दो अपवाद है, दो जंतु किसमें, रेप्टाइल्स या सरीसृप वर्ग में। और उस सरीसृप वर्ग में रेप्टाइल्स में जो एक्सेप्शन दो है वो क्या है, अलिगेटर घड़ियाल और मगरमच्छ है। तो क्रोकोडाइल और अलीगेटर, क्रोकोडाइल और अलीगेटर ये जो है ये सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ। और सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हुए भी इसमें जो हृदय होता है इसमें कितने कोष्ठक का बना रहेगा, 4 कोष्ठक का, मतलब जिनमें 2 अलिंद और 2 निलय रहेगा। बाकी जितने भी सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं उन सब में जो हृदय रहेगा वो कितने का बना रहेगा, 3.5 3.5 कोष्ठक का, जिनमें से 2 अलिंद और 1.5 क्या होता है, नीला होता है। घड़ियाल और मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के होते हुए भी इनमें हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 है, जिसमें से 2 अलिंद 2 नीला, ये एक्सेप्शन, यही बार बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। लास्टली अगर हम बात करें तो एवीस पक्षी वर्ग और मेमेलिया स्तनधारी वर्ग। तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में जो हृदय होता है वो होता है 4 कोष्ठक का बना होता है। संसार की जितनी भी पक्षियां हैं, संसार के जितने भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं, सब में जो है हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है, 4 कोष्ठक का बना होता है। तो अब इन 4 कोष्ठकों में कितना अलिंद कितना निलय, तो 2 अलिंद 2 निलय। इसी तरीके से स्तनधारी वर्ग में 4 कोष्ठी हृदय है, जिसमें से 2 अलिंद और 2 निलय है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो है याद होना चाहिए कि मतलब जो है किस वर्ग के प्राणियों में हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। और अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे जो है काकरोच को हम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं, और आर्थ्रोपोडा में ये जो काकरोच होता है उसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। कितना कोष्ठक होता है काकरोच में हृदय में, तो 13 चैम्बर, 13 कोष्ठकी हृदय जो है वो किसमें पाया जाता है, काकरोच में। एनीलिडा वर्ग का प्राणी है, और एनीलिडा वर्ग का एक प्राणी होता है और उसका नाम है अर्थवर्म, जिसको सामान्य भाषा में केचुआ कहते हैं। केचुआ में हृदय की संख्या 4 पेयर अर्थात 8 होती है। तो केचुआ में हृदय की जो है हृदय की संख्या 8, 4 जोड़ी। काकरोच में हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। मछलियों में कोष्ठकों की संख्या 2, एक अलिंद एक निलय। एम्फीबिया उभयचर वर्ग में हृदय में कोष्ठकों की संख्या 3, 2 अलिंद एक निलय। रिप्टाइल सरीसृप वर्ग में
के हृदय में कोष्ठों की संख्या 3.5, दो अलिम डेढ़ नील है और घड़ियाल और मगरमच्छ में 4 कोष्ठक। एवीस पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में जो होता है हृदय जो होता है ये 4 कोष्ठक का होता है जिनमें से 2 अलिम और 2 नीले होता है। अब यहां से हम बात करते हैं, चाहे वो मछली वर्ग हो और वो चाहे जो है एम्फीबिया या उभयचर वर्ग हो और वो चाहे रिप्टाइल्स या सरीसृप वर्ग हो, इन तीनों वर्ग के प्राणियों के ब्लड को हम कहते हैं क्या कहते हैं, पाइक्लोथर्मिक एनिमल कहते हैं या शीत रुधिर वर्ग के प्राणी कहते हैं। शीत रुधिर वर्ग के प्राणी का मतलब यह हुआ कि इनके शरीर का तापमान या ब्लड का जो टेम्परेचर या तापमान जो होता है ये वातावरण के अनुसार घटता बदलता रहता है। अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर डाउन हो गया शरीर का तापमान भी डाउन हो गया, इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो है बढ़ गया इनके शरीर का भी तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। तो मछली वर्ग और जो है उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग के जो खून होते हैं जो इनके जो रक्त होते हैं इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, शीत रुधिर वर्ग के प्राणी। क्या कहते हैं, शीत रुधिर वर्ग के प्राणी। तो शीत रुधिर वर्ग में क्या क्या आता है हमारा, मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप। जबकि संसार में जितनी भी पक्षियां हैं एवीस पक्षी वर्ग और जितने भी स्तनधारी हैं मैमेलिया वर्ग, इनका जो ब्लड का टेम्परेचर होता है या जो शरीर का तापमान होता है वो हर मौसम में जैसा रहता है, ठंडी है तभी भी उतना, गर्मी है फिर भी उतना ही रहता है। तो इनके रुधिर वर्ग को हम नाम दे देते हैं गर्म रुधिर वर्ग के प्राणी, या उसी को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, या उसी को हम कहते हैं होमियोथर्मिक एनिमल। तो ये एवीस एवीस पक्षी वर्ग और ये जो है मेमेलिया ये स्तनधारी वर्ग, ये जो दो वर्ग हैं इनके जो है ब्लड को हम क्या कहते हैं, गर्म रुधिर वर्ग के प्राणी, गर्म रुधिर वर्ग के प्राणी। तो इसको आपको विशेष रूप में ध्यान में रखना, ये भी जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर देखिए पीसेस वर्ग एम्फीबिया, उभयचर वर्ग रिप्टाइल्स, इनके ब्लड को हमने कहा शीत रुधिर वर्ग, और शीत रुधिर वर्ग को हम कहते हैं इंग्लिश में कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड को ही हम कहते हैं क्या, पाइक्लोथर्मिक। और इसी तरीके से पक्षी वर्ग मेमेलिया वर्ग, इनके ब्लड को हम कहते हैं गर्म रुधिर वर्ग, गर्म रुधिर वर्ग की ये प्राणी, और जो है गर्म रुधिर वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं वार्म ब्लडेड, और उसी को कहते हैं होमियोथर्मिक एनिमल। मतलब शरीर का तापमान हर मौसम में इन दोनों का एक जैसे, जबकि इन तीनों वर्ग का शरीर का टेम्परेचर या ब्लड का तापमान जो होता है वो वातावरण के अनुसार फ्लक्चुएट करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं हृदय की, और तो ये जो हृदय होता है अभी हमने बताया ये अंदर से खोखला है मानव का और ये इसमें 4 कोष्ठक है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, जैसे एक हृदय की हम यहाँ पे संरचना बनाए हुए, हृदय के चारों एक ये दोहरी झिल्ली बनाए हुए, और इन दोहरी जो झिल्ली का आवरण होता है उस दोहरी झिल्ली के आवरण को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो हृदय के चारों ओर जिस झिल्ली का आवरण होता है उस झिल्ली को हम नाम दे देते हैं क्या, पेरिकार्डियम नाम दे देते हैं। अब हृदय के अंदर मसल्स पाए जाते हैं, और हृदय की पेशियों को हम नाम दे देते हैं क्या, कार्डियक मसल। तो हृदय की पेशियों को नाम देते हैं कार्डियक मसल, और ये जो कार्डियक मसल होती है इन कार्डियक मसल के अध्ययन को स्टडी को हम नाम दे देते हैं क्या, कार्डियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ हार्ट या स्टडी ऑफ हार्ट मसल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियोलॉजी। तो हृदय के अध्ययन या हृदय की पेशियों के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम नाम दे देते हैं कार्डियोलॉजी। ये जो कार्डियक मसल है, जो ये कार्डियक पेशी है, ये बिना थके जीवन पर्यंत कार्य करती है। तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रकार की पेशियों में थकान का अनुभव नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, कार्डियक मसल। हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो ये जो है वो क्या है, कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल या हृदय के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो कार्डियोलॉजी कहेंगे। अब और अगर बात करते हैं आगे, हृदय की क्रिया विधि का पता जिस इंस्ट्रूमेंट या उपकरण के माध्यम से हम लगाते हैं उसका पता उसको कहते हैं क्या, ईसीजी। ईसीजी का एग्जामिनर फॉर्म पूछता है, तो ई से होगा इलेक्ट्रो और सी से क्या होगा कार्डियो और जी से क्या हो गया ग्राम। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये फुल फॉर्म है, और इस उपकरण के माध्यम से हम किसकी क्रियाविधि का हम पता लगाते हैं, तो हार्ट या हृदय की क्रियाविधि का हम पता लगाते हैं। तो ईसीजी मेडिकल एपरेटस है, तो ईसीजी ही पूछ लेता है ये किससे संबंधित हृदय से, इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछ लेता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है,
अब और आगे देते ब्रेन पढ़ाएंगे तो वहां पे देखेंगे ईईजी के बारे में, इससे तुलना हम कर देंगे। जब ब्रेन का टॉपिक चलेगा वहां उसकी चर्चा करेंगे। अब बात हो रही है मानव के हृदय की। अभी हमने कहा कि मानव का जो हृदय होता है वो अंदर से खोखला होता है, ऊपर के दो कोष्ठक को अलिंद कहते हैं और नीचे के दो कोष्ठक को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। जैसे मान लिया पहला कोष्ठक हो गया, ये दूसरा कोष्ठक हो गया, ये तीसरा कोष्ठक हो गया और ये क्या हो गया, चौथा कोष्ठक हो गया। बायोलॉजी में जब भी आप डायग्राम देखते हैं अगर लिखा हुआ है अगर अधर दृश्य या वेंट्रल सरफेस तो ये समझ लीजिए जैसे आप डायग्राम देख रहे होते हैं उसका पीट का हिस्सा आपके पीछे होता है और पेट का हिस्सा आपके सामने होता है। जैसे मैं खड़ा हूं तो हमारे पेट का हिस्सा आपके सामने है, इधर की पोजीशन क्या हो गई, हमारी दाहिनी पोजीशन हो गई और इधर की पोजीशन क्या हो गई, बाई पोजीशन हो गई। तो हृदय की इधर वाले कोष्ठक दाएं और इधर वाले कोष्ठक क्या कहलाएंगे, बाएं कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हृदय जो होता है ये चार कोष्ठक का बना है, ऊपर का दो अलिंद और नीचे का दो निलय, तीसरे और चौथे नंबर का। तो ये कौन सा अलिंद हुआ, दाया अलिंद हुआ, राइट ऑर्किल हुआ। और ये कौन सा अलिंद हुआ, बाया अलिंद हुआ, लेफ्ट ऑर्किल हुआ। अलिंद को हम ऑर्किल कहते हैं और निलय को हम क्या कहते हैं, ये अलिंद को ऑर्किल कहते हैं और निलय को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये दाहिना अलिंद है और ये बाया अलिंद है। नीचे के दो कोष्ठक को नीला कहते हैं तो ये दाया नीला है और ये जो है बाया नीला है। मतलब ऊपर का ये दोनों अलिंद, ये दायना अलिंद और ये बाया अलिंद, और ये जो है दाया नीला और ये बाया नीला, ये चार चैम्बर हार्ट है। अब वॉल से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम लग, वॉल जो होता है दो वॉल मुख्य रूप से पूछता है। जैसे अगर बात करते हैं तो ये जो कोष्ठक होता है, ये जो पूरी ये जो संरचना ये दाया अलिंद है इसके नीचे और ये जो है दाया निलय है, इन दोनों कोष्ठक के बीच एक वॉल पाया जाता है। इस वॉल या कपाट को हम नाम दे देते हैं त्रिवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट। और त्रिवर्णी कपाट को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। तो पता है ट्राई कस्पिड वॉल कहाँ पाया जाता है, तो ये ट्राई कस्पिड जो वॉल होता है ये दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के बीच ये पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल या त्रिवर्णी कपाट। इसी तरीके से ये कपाट पूछता है, ये वॉल पूछता है, ये है बाया अलिंद और ये है बाया निलय। तो बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच जो वॉल्व है, जो ये कपाट है, उस वॉल्व या कपाट को नाम दे देते हैं द्विवर्णी कपाट, या द्विवर्णी कपाट को हम नाम दे देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम से हम जानते हैं और उसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व इज आल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व, द्विवलनी कपाट और ये त्रिवलनी। तो आपको इन दोनों वॉल्व को विशेष रूप से ध्यान में रखना, दोनों वॉल्व पूछता है। तो त्रिवलनी कपाट दाहिने अलिंद दाहिने निलय के बीच और द्विवलनी कपाट बाय अलिंद बाय निलय के बीच है। फिर क्वेश्चन ये पूछता है ऐसे नोड से, हृदय में ऐसे नोड एक गांठ नुमा संरचना है और ये जो चैम्बर है ये जो कोष्ठक है इसको हमने नाम दिया दाया अलिंद। और दाया अलिंद में ऐसे नोड जो संरचना है, ऐसे नोड को हम कहते हैं साइनो आरिकुलर नोड। ये हृदय का जो है पेस मेकर कहलाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, तो हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं। और ये जो ऐसे नोड है जिसे हमने कहा हृदय का पेस मेकर, इट इनिशिएट्स हार्ट बीट, ये जो है मानव में हृदय धड़कन प्रारंभ करता है। धड़कन से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये तो ये क्वेश्चन पूछता है कि धड़कन प्रारंभ करने वाली संरचना क्या है, तो जो हृदय में जो धड़कन प्रारंभ करता है वो ऐसे नोड है। लेकिन मानव शरीर में ये जो हृदय जो धड़कन करा और लयबद्ध तरीके से एक मिनट में एडल्ट के केस में 70 से 72 जो धड़कन होती है उसकी इस लयबद्ध को कौन नियंत्रित करता है, कौन रेगुलेट करता है, तो ब्रेन का पार्ट होता है, वो होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा कंट्रोल्स हार्ट बीट रेट। मानव का हृदय एक मिनट जितनी बार धड़कन करता है उसी को हम कहते हैं हार्ट बीट रेट या हृदय स्पंदन दर। तो हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। लेकिन धड़कन को प्रारंभ कौन करता है, तो धड़कन को प्रारंभ करता है कौन, ऐसे नोड करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, धड़कन प्रारंभ कौन करता है, ऐसे नोड। और धड़कन की दर को या हृदय स्पंदन दर को कौन नियंत्रित करता है, तो उस दशा में हम क्या करेंगे, मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। तो एक नॉर्मल ये संरचना थी हृदय की जो है क्या चैम्बर है, कैसे कहाँ पे वॉल्व है, किस जो है भित्ति से गिरा हुआ है, फिर इसमें कौन सी मसल्स होती हैं, मसल्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं,
ECG क्या है, पंपिंग आर्गन क्या है, फिर उसके बाद जो है इसकी लोकेशन कहाँ होती है, शरीर का सबसे व्यस्त धमन कौन होता है, फिर कितने चैम्बर हैं, इन सब की चर्चा हमने कर दिया यहाँ पे इस लेक्चर्स में। अब हम है अभी पूरी जो है हृदय के बारे में अभी डिस्कशन नहीं किए हुए हैं, अगले लेक्चर्स में हम जो है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट या जो हृदय की क्रिया विधि का हम जो है कैसे हृदय कार्य करता है उसकी चर्चा करेंगे बहुत डिटेल्स में, मतलब कैसे जो है ब्लड किस हिस्से में आएगा, फिर कहां से कहां जाएगा, फिर इस तरीके से किससे शरीर के अंगों में जो है हृदय से होकर के ब्लड पंप होएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।